हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज की एक नई वीडियो के अंदर। और आज भी मैं आपसे दुनिया भर से आ रही क्रिकेट की कुछ बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि इंडिया का वो ऐसा कौन सा पहला क्रिकेटर था जिसने तीनों फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली सेंचुरी मारी थी। आप कमेंट करके आंसर मुझे जरूर से बताइएगा। और अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां आपको क्रिकेट के बारे में सारी खबरें मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में को लिंक मिल जाएगा, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहली खबर आ रही श्रीलंका वर्सेस इंडिया की सीरीज को लेके। तो रिपोर्ट्स का माने तो 13 जुलाई से इन दोनों देशों के बीच में सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जहां पे पहले 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे, उसके बाद 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। और ये सारे के सारे मुकाबले होने वाले कोलंबो के शहर के अंदर, जिस शहर में 3 स्टेडियम होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि शिखर धवन उम्मीद है कि कप्तानी करने वाले इस टीम की, वो सबसे सीनियर प्लेयर हैं और उनको कप्तानी मिलने वाली है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को अप्रोच किया है कि वो टूर के अंदर इंडिया के कोच बन के जाए। तो काफी बड़ा अपडेट है। इंडिया की मेन टीम तो इंग्लैंड जा चुकी है, इस वजह से बीसीसीआई ने कॉन्टेक्ट किया राहुल द्रविड़ को, वो चाहते हो कोच बने। तो काफी बड़ी बात है, अगर राहुल द्रविड़ कोच बने तो जरूर से एक अच्छी बात होने वाली टीम इंडिया के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं दूसरी खबर के बारे में, तो वो आ रही है द 100 क्रिकेट की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया की 5 फीमेल क्रिकेटर्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्ट लेने वाली है। और अब पक्की खबर आ चुकी है कि कौन सी प्लेयर कौन सी टीम से खेलने वाली है। हरमनप्रीत कौर आपको खेलते हुए दिखाई देंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम से, स्मृति मंदाना खेलती हुई होने वाली है सदन ब्रेव की टीम की तरफ से, दीप्ति शर्मा खेलने वाली लंदन स्पिरिट की टीम की तरफ से, जमाइमा रोड्रिगेस खेलने वाली है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम की तरफ से, और शफाली वर्मा खेलने वाली बर्मिंघम फिनिक्स तरफ। जरूर से ये 5 फीमेल क्रिकेटर्स इन 5 टीमों से खेलेंगी द 100 क्रिकेट के अंदर। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं अगली खबर के बारे में, तो वो आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात कंफर्म कर दी थी कि इस साल का आईपीएसएल यूएई में होने वाला है, लेकिन बहुत ही बड़ी दिक्कत आई है पीएसएल को कि यूएई ने अपने श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश इनसे सारे ट्रैवल पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान के प्लेयर, श्रीलंका के प्लेयर, बांग्लादेश के प्लेयर बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो आप मान सकते हो कि अब नहीं लगता यूएई के अंदर पीएसएल होने वाला है। अगर ट्रैवल अलाउ हुआ तो अलग बात है, वरना कोई भी प्लेयर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो पीएसएल का क्या होगा इसके बारे में कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होने वाली है। जैसे कोई अगली अपडेट आई मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी यही खबर है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से मुश्किल में लग रहा है। लगता नहीं कि इस साल पीएसएल अब यूएई के अंदर हो पाएगा। अब या तो पाकिस्तान में कराना पड़ेगा या फिर किसी और देश को खोजना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं चौथी खबर के बारे में, तो वो आ रही आईपीएल 2021 की तरफ से। तो आईपीएल की थोड़ी सी बुरी खबर आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात सामने आई है कि अगर इस साल का आईपीएल होता भी है तो उसमें इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी नहीं खेलने वाला। जी हां, इंग्लैंड को बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेलने, इस वजह से उनको अलाउ नहीं होने वाला कि वो आईपीएल में खेले। तो बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेस्टो, ऐसा कोई भी बड़ा जो इंग्लैंड का प्लेयर है वो आईपीएल नहीं खेलेगा। तो काफी दिक्कत की बात है, खासकर चेन्नई की टीम, राजस्थान की टीम, हैदराबाद की टीम, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं खेल पाएंगे इस साल के आईपीएल के अंदर। और आखिरी बड़ी खबर आई लसित मलिंगा की तरफ से, जिन्होंने पिछले 1 साल से कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने कहा है कि लसित मलिंगा अब तक रिटायर नहीं हुए हैं और वो उनकी वर्ल्ड T20 की स्कीम में होने वाले हैं। और हो सकता है कि इंडिया वाली सीरीज के अंदर भी लसित मलिंगा खेलते हुए दिखे। तो काफी बड़ा अपडेट है कि लसित मलिंगा अभी तक रिटायरमेंट नहीं हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स है जो क्रिकेट जगत से आ रही है। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे इसी तरह की अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।